हाँ हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोशल बिहेवियर इन रेसस मंकी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ब्लैक बक का सोशल बिहेवियर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताया था। नाउ रेसस मकाक, जिसको मका का मुलाटा भी कहते हैं। नाउ मीनिंग ऑफ सोशल, सोशल का क्या मतलब होता है कि उसका सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या रिलेशन है, इसको कहते हैं सोशल। मीनिंग ऑफ सोशल, वन रिलेटिंग टू सोसाइटी और इट्स ऑर्गेनाइजेशन। टू द टर्म सोशल रेफर्स टू ए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अप्लाइड टू पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। मतलब सोशल जो टर्म है वो एक तरह का विशेष गुण है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो कि एक पॉपुलेशन पे अप्लाई होता है, लाइक ह्यूमन या दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, विशेष रूप से जैसे प्राइमेट्स या इस तरह से बर्ड्स में भी थोड़ा सा सोशल बिहेवियर देखा जाता है। इट ऑलवेज रेफर टू द इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद अदर ऑर्गेनिजम्स एंड टू देयर कलेक्टिव को एग्जिस्टेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर अवेयर ऑफ इट और नॉट एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ Whether the interaction is voluntary or involuntary। मतलब जो एक सेम पॉपुलेशन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में इंट्रैक्शंस हैं या उनका कलेक्टिव को एग्जिस्टेंस है, और ये इस चीज़ से whether they are aware of it or not and irrespective of whether the इंट्रैक्शन इज़ वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, यानी ये इससे स्वतंत्र होता है कि ये वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है। एन इनफॉर्मल सोशल गैदरिंग स्पेशली वन ऑर्गेनाइज बाय द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर और ग्रुप, ये भी मीनिंग होता है सोशल का। नाउ मीनिंग ऑफ बिहेवियर, व्हाट इज बिहेवियर, बिहेवियर किसको कहते हैं। द वे इन विच वन एक्ट्स और कंडक्ट्स वन सेल्फ स्पेशली टुवर्ड्स अदर्स, यानी एक जो है पर्सन उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करेगा दूसरे के प्रति, इसको कहते हैं बिहेवियर। टू द वे इन विच एन एनिमल और पर्सन बिहेव इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और स्टिमुलस। थ्री एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी एंड बिहेवियर इज अ कलेक्टिव नेम ऑफ फॉर दीज एक्टिविटीज। ओके, तो इस तरह से अपन अलग अलग तरह से बिहेवियर को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ मीनिंग ऑफ सोशल बिहेवियर, In physiology and sociology, social behavior is behavior directed towards society or taking place between members of the same species. देखिए physiology और sociology में social behavior क्या होता है, directed towards society, मतलब समाज के प्रति जो उनका behavior है, और taking place between members of the same species, और सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच क्या बिहेवियर है। बिहेवियर सच एज प्रेडेशन विच इन्वॉल्व्स मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर नॉट सोशल। प्रेडेशन, प्रेडेशन जानते हैं आप, प्रेडेशन का मतलब क्या होता है, शिकार करना। तो ये शिकार करना ये जो है डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है, इस बिहेवियर को सोशल बिहेवियर नहीं माना जाएगा। बिहेवियर सच एज प्रेडेशन which involves members of different species are not social, okay? A behavior is always to be taken transactionally, that is, never as of the organism alone, any more than of the environment alone, but always as of the organic environmental situation with organism and environmental objects taken as equally its aspects.
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसकी क्या डेफिनेशन देंगे हम? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर्स हैव ऑन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टुवर्ड्स इम्प्रूविंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। टू, टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ हाउ पीपल एक्ट और बिहेव विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किसको कहते हैं? द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आप अपने नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हैं? ऑफ हाउ पीपल एक्ट और बिहेव विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में रहकर पीपल किस तरह से बिहेव करते हैं। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ये देखिए रिसेस मकाक का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। ये आपको मालूम ही है, एनिमेलिया कॉर्डेटा प्राइमेट्स होते हैं ये, और जीनस इनका मकाका होता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन एंड करेक्टरिस्टिक्स। रिसेस मकाक आर नेटिव टू इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, थाईलैंड, अफगानिस्तान, वियतनाम, साउदर्न चाइना एंड सब नेबरिंग एरियाज। यानी ये जो रिसेस मकाक है, इस एरिया में बहुतायत से पाए जाते हैं। द रिसेस मकाक, मकाका मुलेटा, इज वन ऑफ द बेस्ट नोन स्पीसीज ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। इन लेंथ द रिसेस मकाक इज ब्राउन और ग्रे इन कलर एंड हैज़ पिंक फेस। इनका कलर कैसा होता है? ब्राउन या ग्रे होता है, और फेस जो होता है पिंक कलर का होता है। इट्स टेल इज़ ऑफ मीडियम लेंथ। पूंछ की जो साइज होती है वो मीडियम होती है। एडल्ट मेल्स मेजर्स अबाउट 53 सेंटीमीटर ऑन एवरेज एंड वेट अबाउट 7.7 केजी। जो मेल मेंबर है वो करीब 53 सेंटीमीटर लंबा और 7.7 केजी का वेट होगा। फीमेल्स आर स्मॉलर। फीमेल्स जो होती है छोटी होती हैं, एवरेजिंग 47 सेंटीमीटर्स एंड 5.3 केजी इन वेट। ओके, इसका आगे भी जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।